हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे एप्लीकेशन को लेकर के। तो गैस, अगर आपने भी फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट कर रखा है और आप किसी वजह से आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूपीआई इंटरनेशनल अगर एक्टिवेट कर रखा है तो उसको कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो गैस, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूपीआई इंटरनेशनल को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए गैस, पर देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि कैसे आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई इंटरनेशनल जो एक्टिवेट किया हुआ है उसको कैसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है और आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस बताया मैंने। चलिए फिर, यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर रखा है पहले से, तो हम इसको अब डीएक्टिवेट करके दिखाएंगे और आप भी समझ जाएंगे कि कैसे इसको डीएक्टिवेट करना है। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ आपको सिंपली क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फोन पे एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने फोन पे एप्लीकेशन में 1, 2, 3 या 4 बैंक ऐड कर रखा है और आपने चारों बैंकों में अगर यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट कर रखा है, तो कैसे आप पर्टिकुलर किसी एक बैंक का यूपीआई इंटरनेशनल डीएक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जिस बैंक का यूपीआई इंटरनेशनल आपने एक्टिवेट किया होगा, तो यहाँ पे आपको एक पृथ्वी बना हुआ दिखेगा। यहाँ पे ग्लोब यहाँ दिख रहा है आपको प्राइमरी के बगल में। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले में प्राइमरी के आगे आप ग्लोब बना हुआ है, उसी के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैंक में नहीं है। तो आप जिस बैंक का यूपीआई इंटरनेशनल डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसी बैंक पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बैलेंस के नीचे यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिव विल यहाँ टिल दिख रहा है, टिल 11 जुलाई 2023 तक आपका जो है ये एक्टिवेट है। आपको डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डीएक्टिवेट यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट। यहाँ पे आपके यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, इफ यू प्रोसीड इंटरनेशनल पेमेंट ऑन ऑल यूपीआई ऐप विल बी डीएक्टिवेटेड, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू री रजिस्टर। यानी कि आप दोबारा से इसको दोबारा से एक्टिवेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसा आप प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना यूपीआई पिन यहाँ पे एंटर करें, इस बैंक का जो आपने यूपीआई पिन बनाया हुआ है। चलिए फिर यहाँ पे हम सबसे पहले यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यूपीआई पिन एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है डीएक्टिवेशन प्रोसेस में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से आ गया, यानी कि आपका जो यूपीआई जो आपने इंटरनेशनल यूपीआई एक्टिवेट किया था, अब वो डीएक्टिवेट हो चुका है। आप इसको चाहें तो दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, यही आपको इस वीडियो में बताना था। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।